हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी के मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली हूँ बेदरे की भुंजड़ी। तो मैं ये बेदरे ले रही हूँ आधा किलो। तो इसको मैं अच्छे से तोड़ दूँगी और जो इसका निकल रहा है, इसका जो छिलने से निकलता है चेहरा, उसको मैं निकाल लूँगी और इसको ऐसे तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे पानी में रख लूँगी। और आप सब इसको बीन्स या बेतरी या बरबट्टी, जो भी नाम से जानते हैं, तो गांव में इसको ज़्यादातर बेतरी बोला जाता है। तो हम लोग भी बेतरे ही बोलते हैं ज़्यादातर, कभी कभी बरबट्टी बोलते हैं। बीन्स तो इधर बोलते ही नहीं हैं। तो इसकी मैं आज भुजिया बनाने वाली हूँ। तो इसको मैं ऐसे तोड़ लूँगी दोनों तरफ और बीच बीच से ही, और इसको ऐसे छील दूँगी। तो इसको मैं छील लेती हूँ और मेरे हाथ में ये दीवार का कलर लग गया है, मैं अभी देख रही हूँ। तो इसी तरह फ्रेंड्स, मैं सारे बीन्स को तोड़ ली हूँ और देखिए मैंने सारे बीन्स को तोड़ ली है, बस एक ही बचा है, उसको भी तोड़ लेती हूँ और इसको मैं पानी में रख ली हूँ। और जो थोड़ा ज़्यादा बचा था उसको मैं छील दी हूँ, और जो थोड़ा सूखने टाइप हो गया था और मैं इस तरह से ले ली हूँ। और कढ़ाई गरम कर दी हूँ, कढ़ाई गरम करके जीरा डाल दी हूँ उसमें थोड़ी सी, और जीरा डालने के बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। तो इसमें प्याज डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चलाऊँगी और थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। इसके बाद मैं इसमें बीन्स को डालूंगी। तो मैं थोड़ा सा चला लेती हूँ इसको जब तक कि ना ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए थोड़ा गोल्डन हो गया है और मैं इसमें डाल दी हूँ बीन्स को। तो बीन्स को डालने के बाद फ्रेंड्स, मैं इसको चलाऊँगी। तो इसको ऐसे अच्छे से उलट पलट करती रहूँगी मैं थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद इसको ढक दूँगी। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर बाद खोल के देखूँगी। और थोड़ा सा मुझे कम लगा बीन्स, तो मैं इसमें एक ठो आलू भी डाल दी हूँ। तो इसको छिल के इसको लंबे पीसेस में काट ली है और इसको भी डाल दूँगी। और डालने के बाद मैं इसको मिला लूँगी, और अच्छे से मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिलाना है और अच्छे से मिलाऊंगी। इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। तो इसके बाद इसको फिर से चेक कर लेना है। तो इसको फिर से खोल के इसको मैं चला लूंगी। तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत पक गया है ये। तो और थोड़ा थोड़ा आलू चिपक भी रहा था अगल बगल में, थोड़ा मैं कम ही तेल डालती हूँ इसलिए। तो इसको और चला लेना है थोड़ी देर। इसके बाद मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी। तो मैं छोटी सी चम्मच में आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी है, और हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मसाला, एकदम थोड़ा सा मसाला डालूँगी, सब्जी मसाला। सब्जी मसाला डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च डालूँगी, जितना इसमें तीखा हो जाए इतना। तो इसके बाद मैं इसको चलाऊँगी फ्रेंड्स। तो देखिए मैं इसको चला दे रही हूँ और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कलर आया है और कितना अच्छा लग रहा है। कलर भी बहुत अच्छा आया है, दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है।
और खाने में भी बहुत टेस्टी लगा था। तो इसको थोड़ी देर बाद मैं इसको छोड़ दूंगी फ्रेंड्स ऐसे ही, और नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार। तो इसके बाद फिर से नमक को इसमें मिलाना है, अच्छे से मिला देना है। तो मैं अच्छे से नमक हल्दी वगैरह को अच्छे से सब्जी में मिला दे रही हूँ, और थोड़ी देर के लिए और चला लूँगी इसको। तो आप देख सकते हैं लगभग पक ही गया है, और मैं चेक कर लेती हूँ, ये देख सकते हैं अच्छे से पक गया है। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको पका लिया है, और थोड़ी देर के लिए और छोड़ देती हूँ, और इसमें एवरेस्ट मसाला डालूँगी चिकन वाला। तो मैं थोड़े से चिकन वाला एवरेस्ट मसाला डाल देती हूँ जब मैं इसको उतारने वाली होती हूँ तब। तो उतार के इसको, तो फ्रेंड्स मेरा सब्जी पक गया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो, अगर पसंद आया हो तो एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना मेरे तरीके से, एक बार भी इसको सब्ज़ी बना के देखिए सूखी वाली। और ये बन के रेडी हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और न्यू